प्रयागराज से लगभग 90 किलोमीटर दूर 15वीं सदी का एक नायाब कलाकृति है। केची का किला, जिसके आसपास का मनोरम और जानलेवा परिदृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लगभग 1435 ईस्वी में रीवा के 17वें शासक महाराज सलीवाहन के दो पुत्रों में वीरभद्र देवगद्दी के अधिकारी हुए, जबकि छोटे पुत्र नागमल को क्योची का इलाका मिला था। क्योची के अंतिम इलाकेदार लक्ष्मण सिंह के नाम के साथ उनके द्वारा किए गए क्रूरतम कृत्यों, व्यविचारिता के साथ प्रताड़ित नवागत पधुओं का जोड़ा व उनके किलकारियां आज भी क्योची गढ़ी के इतिहास को बयां करती हैं। साथ ही 1897 के स्वतंत्रता समर के योद्धा रणमतन सिंह व उनके साथियों ने यहां पनाह ली थी, जिसके कारण भी यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। गढ़ी में बड़े व छोटे कक्षों के साथ विशाल सभागार, गुप्त द्वार व प्रशिक्षण केंद्र बने हुए। किले के मध्य सीढ़ी नुमा गलियारा प्रपात तक जाता है। संभवतः किले से सीधे रानिया राज परिवार के लोग जल क्रीड़ा के लिए प्रपात तक सीधे जाया करते थे। बीच रास्ते में विशाल काय पीपल के पेड़ के साथ पास से अविरल निर्मल जलधारा प्रवाहित होती रहती है, जिसके उद्गम की धाराएं दिखती हैं, पर अत्यधिक ऊंचाई व 12 मासी फव्वारे के गिरने से आश्चर्यजनक लगता है। पर दुर्भाग्य इस ऐतिहासिक स्थल का शासन व जनप्रतिनिधियों के निष्क्रिया के कारण भवन के साथ साथ प्रपात के चौतरफा क्षरण व उसकी सुंदरता के साथ भूमाफियाओं व अवैध उत्खनन कार्यों के बढ़ते व्यापार पर लगाम नहीं लगने के कारण दिन प्रतिदिन इसका स्वरूप नष्ट हो रहा है। श्रद्धा का केंद्र भैरवनाथ किला व प्रपात के समीप बने प्राचीन भगवान चतुर्भुज भैरवनाथ जी विशाल प्राचीन विहंगम किला के साथ बेजोड़ सुरक्षित आस्था का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण रीवा महाराज विश्वनाथ सिंह ने 1833 व 1834 में बनवाया था। सीता रसोई ऋषि के क्षत्रिय समागम का चबूतरा सहित वर्तमान में जन भागीदारी से सीता लक्ष्मण व हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। औषधियों का भंडार जल प्रपात के नजदीक सोमबल्ली एवं अलम में बहुतायत में पाई जाती है। इस औषधि के प्रयोग से कैंसर सहित कई घातक बीमारियों का इलाज संभव है। वहीं क्योची के जंगलों पर कई अन्य गुमगाम औषधियों का विशाल काय भंडारा छपा हुआ है। वहीं जनप्रतिनिधियां या समाज सेवी संगठनों के साथ यदि शासन द्वारा प्रयास किए जाएं, तो इस क्षेत्र में मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनकर तैयार होने वाली औषधियों से लोगों को उपचार देंगी। वहीं क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और शासन को राजस्व के रूप में आय की भी प्राप्ति होगी। साथ ही क्योची का यह विहंगम स्थल पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो जाएगा, जिसके क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। सालाना लाखों का व्यापार क्योची प्रपात व किले के पास प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। इस दिन के लिए एक सप्ताह पूर्व से ही रीमा, सिरमौर, लालगांव, गढ़ सहित आसपास के अन्य छोटे बड़े व्यापारी अपना व्यवसाय केंद्र स्थापित कर लाखों रुपयों का व्यवसाय करते हैं। वहीं इस मेले में सभी वर्ग व आयु के लोग बड़े ही उत्साह के साथ मकर संक्रांति के अवसर पर इन मंदिरों पर जाकर पूजा अर्चना व प्रसाद का चढ़ावा करते हैं।
साथियों, इस समय हम लोग रीवा डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं। ये रीवा जिले का क्यूटी का किला है जो कि महाना नदी के तट पे है। और इस किले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि नागमल द्वारा 15वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण किया गया और इस किले का सामरिक और ऐतिहासिक महत्व काफ़ी है। चूँकि नदी का एक तरफ नदी घाटी होने की वजह से और दूसरी तरफ खुला मैदान हुआ करता था, यहाँ से 1857 में रणमद जी ने जब अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा तो यहीं पर उन्होंने काफ़ी संख्या में अंग्रेज़ों को क्षति पहुँचाई। यह किला 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है, क्योंकि माना यह जाता था कि इसी नदी के तट से ही, इसी घाटी के से, इस किले के अंदरूनी दीवारों से होते हुए सड़कें जाती थी जो घाटी से होते हुए सीधे शंकरगढ़ तक के लिए पहुंचता था और वहां से यमुना नदी की सहायता से ये आगे निकलता था। यहां से गोला बारूद और हथियारों की भी बहुत बड़ी खेप निकाला जाता था। कहा यह भी जाता है कि अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई के वक्त यहाँ पे लाखों टन सोना इसी घाटी के इस किसी हिस्से में दब के रह गया है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी माना है। लेकिन तब भी आज तक उस सोने को ढूंढ के निकालना काफ़ी मुश्किल बात है, क्योंकि एक तरफ जहाँ ये 450 फीट गहरी खाई है तो दूसरी तरफ 2500 किलोमीटर लंबा मैदान और पहाड़ के ऊपर बसा ये किला एक अपने आप का महत्व है। चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे अंग्रेज़ों की लड़ाई हो, चाहे मुग़लों से लड़ाई हो, और या फिर इस स्थान पर अला और उदल की लड़ाई हो, ये सभी कहानियाँ इस किले को एक ऐसा ऐतिहासिक और मिथकीय स्वरूप देती है जिसका कोई सानी नहीं है। रखरखाव के अभाव में भले ही किला अब ज़मींदोज होता चला जा रहा है, लेकिन अपने इतिहास को ये बचाए हुए है। और अगर इतिहास का एक हिस्सा देखा जाए तो उस हिस्से में इस किले का बहुत महत्व है। मैं इंद्रजीत बनर्जी, UP News 70।